वर्स वेलकम टू हैंडशेक मेडिकल यूट्यूब चैनल आई कृतिका द्विवेदी इज अगेन हेयर विद यू टू गाइड यू टुडे आई एम गोइंग टू डील विद वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फ्रॉम एलेंस के नोट दैट इज एस्स हिपोकैस्टिनम सो बी विद मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू कमांड दिस टॉपिक सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इ स्टार्ट तो आज का हमारा टॉपिक है एस्क्यूलस हिपोकैस्टिनम इसके प्रूवर डॉक्टर कूले हैं ये वेजिटेबल किंगडम की रेमिडी है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली सेपिन डेसी और इसका कॉमन नेम या इसका सिनोनम बोल दे तो इसको हॉर्स चेस्टनट के नाम से जाना जाता है ठीक है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फ्यू आर्ट का ही होता है ओई बोरिक के अकॉर्डिंग और इसका मियाजमेटिक बैकग्राउंड ये सोना को कवर करता है और टेम्परामेंट इसका इरिटेबल टेम्परामेंट होता है ये काफ़ी चिड़चिड़े लोग होते हैं ठीक है अब हम देखते हैं इसका कंस्टिट्यूशन कि ये मेडिसिन किन कंस्टिट्यूशन के लोगों के लिए होती है तो फॉर पर्सन विथ हेमेरायडल टेंडेंसी ऐसे लोग जिनमें हेमेराइडल टेंडेंसी होती है हेमेराइड स्पाइल्स की टेंडेंसी होती है ठीक है हु सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक बाइलियस और कैटरल ट्रबल्स जो कि गैस्ट्रिक मीन्स जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं बाइलियस मीन्स लिवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड ट्रबल्स और कैटरल ट्रबल। कैटरल ट्रबल मीन्स जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मैम्रेन स्पेशली एयरवेज का इन्फ्लामेशन हो जाता है ठीक है तो किन तरह के लोगों के लिए है फॉर पर्सन विथ हेमेरॉयडल टेंडेंसी जिनमें हेमेरॉयड्स की टेंडेंसी होती है और जो सफ़र करते हैं गैस्ट्रिक बाइलियस और कैटरल ट्रबल से ठीक है अब हम देखते हैं इसका फिजिकल जनरल का एक सिम्टम इनमें क्या होता है कि फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम अंड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड इनको ऐसा सेंसेशन होता है ठीक है जैसे फुलनेस का सेंसेशन होता है ठीक है फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स इनके वेरियस पार्ट में फुलनेस का सेंसेशन होता है एज फ्रॉम जैसे कि अंडियू अंडियू मीन्स होता है एक्सेस ठीक है जैसे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ पे भरा हुआ है ठीक है और कहाँ पे ऐसा फुलनेस का सेंसेशन होता है हार्ट में लंग में स्टमक में ब्रेन पैल्विस और स्किन में ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या है इसके फिजिकल जनरल सिम्टम में इनमें वीनस कंजेशन होता है ठीक है स्पेशली पोर्टल एंड हेमेराइडल इनमें वीनस कंजेशन होता है ख़ास तौर पे पोर्टल पोर्टल मतलब कि इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात की गई है और हेमेरायडल मीन्स रैक्टल कंजेशन ठीक है और ये कैसे लोग होते हैं अगर इनके हम मेंटल जनरल सिम्टम की बात करें कि इस पेशेंट का मेंटल कैसा होता है तो डेस्पोडेंट ग्लूमी वेरी इरिटेबल, लूजेज टेंपर इजीली एंड गेंस कंट्रोल स्लोली मिजरेबली क्रॉस डेस्पोडेंट मीन्स ये काफ़ी होपलेस होते हैं ठीक है निराशावादी लोग इनको कोई होप नहीं होता है ग्लूमी ग्लूमी मीन्स वही काफ़ी सैड होते हैं जब होपलेस रहेंगे तो सैड भी रहेंगे जिसके कारण से वेरी इरिटेबल काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं ये एंड लूजेज स्टैम्पर ईजीली और ये अपना संयम जल्दी खो देते हैं ठीक है एंड गेंस कंट्रोल स्लोली और इनको नॉर्मल स्टेट में आने में टाइम लगता है मिजरेबली क्रॉस और ये चिड़चिड़ाएंगे ठीक है इरिटेट होंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे ठीक है तो इस तरह का इनका टेम्पर होता है इस तरह का इनका मेंटल सिम्टम होता है अब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो आगे क्या सिम्टम है ये एक फिजिकल जनरल सिम्टम है क्या है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ थ्रोट रैक्टम आर सॉलोन बर्न फील ड्राई एंड रॉ म्यूकस मैमब्रेन कहाँ कहाँ के माउथ के थ्रोट के रैक्टम के कैसे होते हैं ठीक है स्वॉलन वो वहाँ पे स्वेलिंग रहेगी ठीक है बर्निंग सेंसेशन होगा फील ड्राई सूखा सूखा सा ड्राईनेस रहेगा ठीक है और रॉ सेंसेशन होगा मतलब रॉ raw, रॉनेस रहेगी वहाँ पे अब हम इसके नोज़ के सिम्टम को देखते हैं तो क्या है इनमें कोराइजा कोराइजा बेसिकली क्या होता है ना रनिंग नोज को कोराइजा बोलते हैं ठीक है ठीके? रनिंग नोज की कंडीशन तो कोराइजा इनका कैसा होता है थिन मतलब बहुत ही वाटरी होगा ठीक है बहुत ही पतला होगा थिन वाटरी पानी जैसा होगा बर्निंग कैसा है बर्निंग जलन होगी वहाँ पे रॉनेस एंड रॉनेस होगी ठीक है बहुत ही जैसे वहाँ पे सूखा सूखा सा लगेगा और एंड सेंसिटिव टू इन्हेल कोल्ड एयर और ये सेंसिटिव होते हैं कोल्ड एयर के लिए ठीक है इनहेल्ड कोल्ड एयर के लिए ये हो गया इसका नोज़ का सिम्टम अब हम इसके थ्रोट के सिम्टम को देखते हैं तो इसके थ्रोट के सिम्टम में क्या है फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस वॉयलेंट बर्निंग रॉ सेंसेशन इन थ्रोट ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट थ्रोट में फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस होता है फॉलिक्युलर फेरेंजाइटिस क्या होता है तो हम इसको इस वर्ड से ही समझते हैं ठीक है थेके? जहाँ पे आइटिस लगता है मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है ठीक है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो इसमें कहाँ का इन्फ्लामेशन होता है फैरिंग्स का इन्फ्लामेशन होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैरिंग्स जिसकी वजह से जो लिफॉइड फॉलिकल्स होते हैं वो इलार्ज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फॉलिक्युलर फेरेंजाइटिस और इस कंडीशन में इनको क्या होगा वॉयेंट बर्निंग ठीक है बहुत ज़्यादा जलन होगी रॉ सेंसेशन इन थ्रोट गला एकदम सूखा सूखा सा लगेगा ठीक है ड्राइनेस वहाँ पे ड्राइनेस रहेगी एंड रफनेस ऑफ थ्रोट और रफनेस रहेगी थ्रोट में और क्या होगा इनको थ्रोट का और क्या सिम्टम है फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सॉलो इनको कुछ भी निकलने का मन करेगा लेकिन क्या होगा विथ बर्निंग प्रिकिंग स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस लेकिन इनको बर्निंग प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन होगा और इनका जो फॉसेस होता है फॉसेस क्या होता है ओरो को कहा गया है ठीक है उसमें वो कैसा रहेगा ड्राई और कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा ऐसा एपिस और बेल में भी सिम्टम देखने को मिलता है अब हम प्रोसीड करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम की तरफ ठीक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम में तो लिखा गया है रैक्टम ठीक है रैक्टम कैसा होगा ड्राईनेस एंड हीट ऑफ वहां पे ड्राइनेस रहेगी एंड हीट ऑफ गरम गरम मतलब वहां पे ड्राइनेस और हीट का सेंसेशन होगा ठीक है और क्या रहेगा फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स अरे ऐसा फील होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है नोट सिम्टम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये पूछा जाता है ठीक है वन लाइनर्स या पूरा ऐसे लाइन दे करके रेक्टम में ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रहेगा और ऐसा फील फील होगा फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स ऐसा लगेगा जैसे कि रेक्टम फुल है किस चीज से स्मॉल स्टिक्स से रेक्टम भरा हुआ है स्मॉल स्टिक्स से नाइफ लाइक पेन्स शूट अप दैक्टम और नाइफ लाइक -like, जैसे कि चाकू से कटने वाला जैसा दर्द होता है वो वैसा पेन होगा और वो पेन रैक्टम तक जाएगा ठीक है शूट अप द रैक्टम रैक्टम में ऐसा पेन होगा ठीक है तो रैक्टम में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फील एज ए फुलटिक्स से ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है नाइफ लाइक पेन होगा ठीक है चाकू जैसे चाकू से कटता है उस टाइप का दर्द होगा और वो शूट अप दी रैक्टम और वो रैक्टम तक पूरा जाएगा जाएगामेरायड्स ब्लाइंड पेनफुल बर्निंग पर्पलिश रेयरली ब्लीडिंग और जो हैमेरायड्स रहेगा वो ब्लाइंड रहेगा ब्लाइंड मीन्स उससे ब्लीडिंग नहीं होगी या होगी भी तो कभी कभार होगी वैसे जो ब्लाइंड हेमरोयड्स होते हैं उससे ब्लीडिंग नहीं होती है ठीक है तो हेमेरॉइड्स ब्लाइंड रहेंगे पेनफुल वो दर्द होगा बर्निंग जलन होगी ठीक है पर्पलिश पर्पलिश कलर के होंगे और रेयरली ब्लीडिंग कभी कभार वहाँ से ब्लीडिंग होगी अब हम आगे के सिम्टम में प्रोसीड करते हैं आगे के सिम्टम में क्या है रैक्टम सोर विथ फुलनेस बर्निंग एंड ईचिंग रैक्टम जो रहेगा वो छिला छिला रहे लगेगा ठीक है वो दर्द दर्द होगा वहाँ पे पेनफुल रहेगा विथ फुलनेस और भरा हुआ लगेगा ठीक है ऊपर हमने पढ़ा भी था कि फील्स एज ए फुल ऑफ अ स्मॉल स्टिक जैसे कि स्मॉल स्टिक्स से पूरा वो भरा हुआ है ठीक है तो रैक्टम्स में सोरनेस रहेगी विथ फुलनेस फुलनेस के लगेगा बर्निंग जलन होगी एंड ईचिंग और, और वहाँ पे ईचिंग खुजली होगी ठीक है ऐसा सिम्टम हमको सल्फर में भी देखने को मिलता है अब हम इसके आगे के सिम्टम में प्रोसीड करते हैं कॉन्स्टिपेशन इसका कैसा है हार्ड है ठीक है ड्राई स्टूल हार्ड ड्राई स्टूल है ठीक है कड़ा और सूखा हुआ स्टूल ड्राइनेस है स्टूल में डिफ़िकल्टी टू पास अब जब स्टूल हार्ड रहेगा ड्राई रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको पास करने में काफ़ी दिक्कत होगी ठीक है तो डिफिकल्ट टू पास विथ ड्राईनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, और रेक्टम में ड्राइनेस और हीट का सेंसेशन रहेगा हीट ऐसा फील होगा सीवियर लम्बो सैक्रल बैक एक और बहुत ही ज़्यादा सीवियर लम्बो सैक्रल बैक एक होगा ठीक है लम्बो सैक्रल बैक क्या होता है मीन्स लोअर बैक रीजन में पेन ठीक है लम्बो सैक्रल रीजन में बैक एक मतलब कि लम्बो सैक्रल रीजन में कमर दर्द होगा और वो कैसा होगा सीवियर बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा ठीक है स्टूल फॉलोड बाई फुलनेस ऑफ रैक्टम एंड इंटेंस पेन इन एन एस फॉर आर्ट्स ठीक है जब भी स्टूल पास होगा स्टूल के मतलब स्टूल के बाद भी स्टूल फॉलोड बाई फुलनेस ऑफ रैक्टम स्टूल के बाद भी इसको ऐसा सेंसेशन होगा जैसे कि रैक्टम फुलनेस है ठीक है रैक्टम भरा हुआ है ठीक है स्टूल पास आउट हो गया है लेकिन उसके बाद भी उसको ऐसा सेंसेशन रहेगा जैसे कि रैक्टम में फुलनेस है रैक्टम भरा हुआ है और इंटेंस पेन इन एनस फॉर आर्स और एनस में इंटेंस पेन होगा घंटों तक ठीक है और क्या होगा इसमें प्रोलेप्स यूट्राय एंड एपक्रेट डार्क ल्यूकोरिया विथ लंबो सैक्रल बैक एंड ग्रेट फैटिक फ्रॉम वॉकिंग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिम्टम है प्रोलेप्स यूट्राई ये क्या होता है कि बेसिकली uh, इसमें यूट्रस का प्रोलेप्स हो जाता है लैक्सिसिटी एंड एटोनी ऑफ मसल के कारण ड्रॉपिंग डाउन हो जाता है यूट्रस का वेजाइना में ठीक है तो उसको बोलते हैं प्रोलेप्स यूट्राई ऐसी कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी एंड डार्क ल्यूकोरिया और ल्यूकोरिया कैसा होगा एक्रेट एकरेट मतलब तीक्ष्ण मतलब छिलने वाला ठीक है और डार्क ल्यूकोरिया होगा विद लंबो सैक्रल बैक एक वही लंबो सैक्रल बैक एक होगा लंबो सैक्रल रीजन में पेन होगा कमर दर्द होगा लोअर बैक रीजन में और क्या होगा एंड ग्रेट फैटिक फ्रॉम वॉकिंग और चलने से बहुत ही ज्यादा थकान होगी ठीक है ग्रेट फैटिक फ्रॉम वॉकिंग अब हम इसके बैक के सिम्टम को देखते हैं तो बैक में क्या होगा सीवियर डल बैक एक इन लंबो सैक्रल आर्ट्रिकुलेशन ठीक है लंबो सैक्रल आर्ट्रिकुलेशन में जहाँ पे लंबो सैक्रल आर्ट्रिकुलेशन है ठीक है बैक रीजन में वहां पे सीवियर डल बैक एक होगा और मोर और लेस कॉन्स्टेंट ठीक है और वो दर्द जो है वो बना रहेगा ठीक है मोर और लेस कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स और सैक्रम और हिप्स भी इससे अफेक्टेड होते हैं आगे के सिम्टम में इसमें क्या है रिलेशन इसका दिया गया है कि सिमिलर टू एलोए कॉलिनसोनिया इग्नेशिया यूरेटिक एसिड नक्स सल्फ़र इन हेमरॉयड्स हेमराइड्स के सिम्टम में ये सिमिलर है एलोए कॉलिनसोनिया इग्नेशिया, यूरोटिक एसिड नक्स और सल्फर के हेमरॉयड्स के कंडीशन में और आफ्टर कॉलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव पाइल्स एस्ट्यूल्स ऑफ इन क्योर्स ये भी वन लाइनर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जब कॉलिनसोनिया अगर पाइल्स की कंडीशन है ठीक है और हम उसमें कॉलिन सोनिया देते हैं और उसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ठीक है तो आफ्टर कॉलिन सोनिया इम्प्रूव पाइल जब हम कॉलिन सोनिया प्रेस्क्राइब कर दिए हैं पाइल्स की कंडीशन में और हमारा केस इम्प्रूव हो गया है तो उस केस को क्योर करने के लिए हम एस्क्यूलस प्रेस्क्राइब करेंगे ठीक है एस्क्यूल्स देंगे तो आफ्टर सोनिया इज इम्प्रूव पाइल्स एस्क्यूल्स ऑफ इन क्योर्स दिस इज वन लाइनर एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम और क्या है यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैज़ इम्प्रूव बट फेल टू क्योर पाइल्स इट मीन्स जब नक्स और सल्फर पाइल्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर चुके हैं मतलब पाइल्स की कंडीशन है उसमें हम नक्स और सल्फर को हम प्रेस्क्राइब किए हैं और वो पाइल्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया है लेकिन क्योर नहीं किया है ठीक है तो उस कंडीशन में हम पाइल्स की कंडीशन को क्योर करने के लिए नक्स और सल्फ़र के बाद हम एस्क्यूलस को प्रेस्क्राइब करेंगे तो बेसिकली एस्क्यूलस जो है ना ये पाइल्स की हेमेरॉइड्स की ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडीज को आ, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ठीक है क्लिनिकल प्रेस्क्रिप्शन के लिए और इसमें हम कंस्टिट्यूशन में भी देखे थे कि इसमें हेमरोयडल टेंडेंसी थी ठीक है हेमेराइड्स की टेंडेंसी ही है पेशेंट्स में तो ये पाइल्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है और इसका एग्रवेशन का मोशन से होगा ठीक है बैक एंड सोरनेस बाई वॉकिंग एंड स्टूपिंग इन्हीलिंग कोल्ड एयर एग्रीवेशन इसका मोशन से होगा और बैक एक एंड सोरनेस के सिम्टम में एग्रवेशन वॉकिंग और स्टूपिंग से होगा और इनहेलिंग कोल्ड एयर से भी इसको एग्रावेशन है ठीक है तो ये हो गया दिस इज ऑल अबाउट एस्क्यूल हिपोकेस्टेनम सो आई होप यू लर्न द बेस्ट तो अब आप, आपको इसमें जो भी कन्फ्यूजन जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन होगा यू कैन फ्रीली आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे Okay? Thank you. Thanks a lot.